हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर एन सिंह। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोग को पुरुषों के गुप्तांग के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि बहुत खास होती है। बहुत से ऐसे पुरुष होते हैं जो कि ऐसे परेशानियों से परेशान हो जाते हैं, और गुप्त रोग संबंधी एक ऐसी बीमारी है कि बहुत सारे जो एडल्ट लड़के होते हैं या जो पुरुष होते हैं उनके सामने अगर ऐसी समस्या आती है तो वे बिल्कुल डर जाते हैं, किसी से कहते भी नहीं है लोक लाज के कारण। तो आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोग को पुरुषों के गुप्तांग के बारे में कुछ खास चीज़ बताऊंगा। तो इसको जानने से पहले, मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा कोई इस प्रकार का वीडियो बनता है तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता देता हूं कि बहुत से पुरुष ऐसे होते हैं कि उनके पेनिस के जो मुंह के ऊपर होता है इन्फेक्शन हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वे डर जाते हैं कि कहीं हमें HIV का मतलब शिकार तो नहीं हो गए हम, या एड्स नहीं हो गया। तो वे ऐसा होता है कि किसी से कहते भी नहीं डर के मारे, और वे झेलते हैं और बहुत परेशान भी हो जाते हैं। समाज में ऐसा बहुत सारे चीज़ को देखने को मिलता है। बहुत से ऐसे डॉक्टर्स होते भी हैं जो कि डरा भी देते हैं। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। मैं आप लोग को पहचान बता देता हूँ, मैं आप लोग को एक फिगर लगा देता हूँ, देख सकते हैं आप कि ये इस तरह से जो पेनिस होता है उसके मुँह पर जो है उसमें फफोले की तरह हो जाते हैं, छाले की तरह पड़ जाते हैं, बिल्कुल जो है ऊपर की चमड़ी जो है बिल्कुल सड़न सी हो जाती है, सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाता है, चिकत्ता हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा खुजली भी होती है, सिफाइलिस हो जाता है। तो ऐसे पेशेंटों के लिए मैं आज आप लोग को बहुत बेहतरीन मेडिसिन लेकर आया हूँ आप लोग के बीच में। आप लोग डरिए नहीं, अगर आपको किसी को इस तरह से होता है तो आप जो है सबसे पहले HIV का टेस्ट करा लीजिए। अगर HIV नेगेटिव आता है तो आप बिल्कुल जो है सुरक्षित हैं। और बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो अंग्रेजी डॉक्टर होते हैं, एलोपैथ के डॉक्टर होते हैं, उनके पास जाते हैं तो ऐसे में उनकी दवा काम भी नहीं करती। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए हैं, उसके नाम पे बहुत सारे पैसे लूटते हैं और वे सही भी नहीं होता है। एलोपैथ की दवा से ऐसा इन्फेक्शन जल्दी सही भी नहीं हो पाता है, न वो सही कर पाते हैं, और अगर होता भी है तो कुछ पल के लिए आराम होता है, बाद में फिर हो जाता है। तो मैं ऐसा एक रामबाण दवा लेकर आया हूँ, होम्योपैथ की दवा लेकर आया हूँ जो कि जड़ से ख़त्म कर देगा। तो चलिए मैं आप लोग को बता दूँ कि जो भी ऐसे भी हैं एडल्ट युवा लड़के हैं या पुरुष हैं, अगर उनके पेनिस के मुंह पे अगर इस प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन से बचने के लिए, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं कुछ मेडिसिन आपको बता रहा हूँ, आप जाकर किसी होम्योपैथिक के दुकान से आप ले सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हमारे यहाँ डायरेक्ट कॉल करके मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं अपना नंबर दे रहा हूँ। मेरा कंसल्टिंग फीस जो है 300 रुपया, आप चाहें तो मुझे कंसल्ट करके किसी प्रकार का एडवाइस भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को एक एक करके बता देता हूँ कि कौन कौन से होम्योपैथिक की मेडिसिन इसमें लगेगी। तो सबसे पहले मेडिसिन है दोस्तों नाइट्रिक एसिड। गुप्तांगों के ऊपर कहीं भी हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, या अंदर महिलाओं के अंदर भी किसी प्रकार का इस तरह से इन्फेक्शन होता है तो उनके लिए बहुत अच्छा काम करती है नाइट्रिक एसिड। इन्फेक्शन हो गया, खुजली होती है बार बार, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। पुरुष के पेनिस के ऊपर इस प्रकार का, जैसे मैं आपको फिगर दिखा दे रहा हूँ, इस प्रकार से अगर दाने हो जा रहे हैं या छाले पड़ जा रहे हैं या घाव बन जाता है या उनके पेनिस के जो ऊपर का मुंह होता है उसमें फटन हो जाती है, फट जाता है, बहुत तेज़ी से क्रैक होता है, बहुत दर्द होता है, जलन भी होता है, तो नाइट्रिक एसिड जो है आप चलाइए। 200 में ले लीजिए नाइट्रिक एसिड, बहुत ही अच्छा काम करेगा। सुबह, दोपहर, शाम दो दो बूंद ले लीजिए, बहुत अच्छा काम करता है। अगर पेनिस के मुंह पे क्रैक हो रहा है, बहुत तेज खुजली के साथ जलन होता है, तो उसमें बोरेक्स भी मिला सकते हैं। नाइट्रिक एसिड और बोरेक्स दोनों कॉम्बिनेशन बना लीजिए और 4-4 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, या अलग अलग भी ले सकते हैं। नाइट्रिक एसिड 2-2 बूंद ले लीजिए, 2-2 बूंद जो है बोरेक्स जो है 200 पावर में ले लीजिए, बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके साथ तीसरी मेडिसिन है दोस्तों, बहुत ही अच्छी कारगर मेडिसिन है, थूजा 200 में ले लीजिए और इसको भी सुबह, दोपहर, शाम लीजिए, या तो इसको सिर्फ सुबह भी लेते हैं तो भी बहुत अच्छा काम करता है। बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं होता है तो आप थूजा को सुबह में ही सिर्फ ले लीजिए, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो मैंने 3 मेडिसिन बता दी है। अगर आपके
पेनिस के मुंह पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, क्रैक हो रहा है, फट जा रहा है, खून निकलता है या छाले पड़ जाते हैं या बहुत तेज खुजली होती है, तो नाइट्रिक एसिड और जलन साथ में होता है तो बोरेक्स ले लीजिए और उसके साथ जो है थूजा 200 में ले लीजिए, सुबह दोपहर शाम चला दीजिए, बहुत अच्छा काम करता है। और बहुत तेज बहुत ज़्यादा किसी का जो है ये सोराइसिस की तरह हो जाएगा या बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है तो उसमें हाइड्रास्टिस मदर टिंचर आता है, उसको आप 15-15 बूंद सुबह दोपहर शाम पानी में जो है मिला करके लीजिए और 10-10 बूंद थोड़ा सा पानी में मिलाकर उसको जो है हल्के से घाव को धो दिया करिए। ये बहुत जल्द ही 2-3 दिन में आपको मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कवर कर देगा, किसी भी प्रकार का पेनिस का जो इन्फेक्शन होता है उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को गुप्तांगों पर होने वाले खुजली या उस पर जलन या छाला की तरह पड़ जाता है या घाव बन जाता है पेनिस के मुंह पे, तो उसमें बहुत अच्छा ये काम करती है सारी होम्योपैथिक मेडिसिन। किसी को अगर कंसल्ट करना है तो हमसे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकता है, मेरा मोबाइल नंबर है 8299391146, 8299391146, 8299391146। दूसरा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9170120291, 9170120291। दोस्तों दोनों मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप किसी भी पुरुष को या किसी भी एडल्ट लड़के को जो इस तरह से जो परेशानी है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करिए, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मैं दवा खुद भेज भी दूंगा यहाँ से। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। नमस्कार।